अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च। आज ऑपरेशन रिसर्च का सेकंड लास्ट लेक्चर जो है विच इज़ द 31st लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 31st लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा था डायनामिक प्रोग्रामिंग की डीपी प्रॉब्लम्स, प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस टू सम अदर फिजिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और एक प्रॉब्लम नैपसैक प्रॉब्लम जो है लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोडिंग प्रॉब्लम, कि किस तरह हम रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए वाइल वी हैव द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल और अ लोडिंग ट्रक और वट एवर इट इज़, एंड वी हैव डिफरेंट आइटम्स विच जनरेट डिफरेंट रेवेन्यूज, एंड वी हैव टू डिसाइड कि कितना जो है क्वान्टिटी जो है एक खास सोर्स की जो है वो लोड की जाए onto your vessel or onto your truck or onto your airplane, whatever it is, or in your bag, whatever it is, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने एक एप्लीकेशन जो है डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। आज के लेक्चर में अगर आपको याद हो कि दूसरी एप्लीकेशन जो थी, जो कि एक प्रोजेक्ट में हायरिंग और फायरिंग जो है मैंने नाम रखा था, कि हायर करना लोगों को और लोगों को मीनवाइल आपके लोग कुछ फॉर सम पर्सनल रीजंस जो है प्रोजेक्ट को रिजाइन करके जा रहे हैं, और यू बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो फायर सम पीपल। तो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस सच दैट योर कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड कीपिंग द लेबर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट रिमेन्स मिनिमम। ये जो है ये हमने लास्ट में एग्जांपल मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस की थी, सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस की थी। सॉल्यूशन जो था उसका वो मैंने आज के लेक्चर के लिए छोड़ दिया था, कि आज के लेक्चर में मैं आपको सॉल्यूशन जो है डिटेल्ड डिस्कशन जो है आपकी सॉल्यूशन के बारे में करूँगा। आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल रह गई थी वो डिस्कस करेंगे, और कुछ और एप्लीकेशंस भी डायनामिक प्रोग्रामिंग की करेंगे। और मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्यूइंग थ्योरी का। क्यूइंग थ्योरी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जो कि सब ब्रांच है ऑपरेशन रिसर्च की, जिसमें हमें वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, यू कलेक्ट समथिंग to purchase, after that you go to the counter and you have to wait, you have to line up in your queue. These are the known as the queuing theory, कि कितना time हमें चाहिए, how to minimize the time of a queue. अब मशीन्स हैं, कंप्यूटर को आप डिफरेंट काम करने के लिए देते हैं, तो कंप्यूटर भी प्रायोरिटी सेट करता है कि कौन सा काम जो है आपने पहले करना है, और ये मशीन्स के लिए भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी हो सकते हैं। और क्यूइंग थ्योरी का जो है वो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफाइन करूंगा, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो बताऊंगा अबाउट द क्यूइंग थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बाय कंसीडरिंग द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच वाज लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर। टुडे वी आर हैविंग द 31st लेक्चर, एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन टू यू दिस एग्जांपल व्हिच इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट द साइज ऑफ द वर्कफोर्स needed over the next 5 weeks to be 5, 7, 8, 4 and 6 workers respectively. Ab excess labor kept on the force will cost $300 per worker per week, and new hiring in any week will incur a fixed cost of $400 plus $200 per worker per week. The data can be written in this form. The cost functions C1 and C2 are in $100. अब ये जो है स्टेज 5 से, क्योंकि 5 वीक्स हैं, we have 5 weeks, so stage 5 से backward जो है मैंने आपको पहले कहा था रिकर्सिव फार्मूला जो है वो हम डीपी के लिए हम ये बैकवर्ड रिकर्सिव फार्मूला जो है ये यूज करेंगे। स्टेज 5 वेन एवर B5 इक्वल्स 6 है, B5 इक्वल्स 6 हमारे पास कहाँ से आ रहा है कि 5th वीक में वी नीड 6 वर्कर्स, सो B5 इक्वल्स 6। तो मेरे X4 जो हैं वो 4, फाइव और सिक्स होंगे। ठीक है, C1 जो है x5 माइनस सिक्स प्लस C2 जो है x5 माइनस x4 होगा। अब यहां पे आप देखें कि आपका x4 जो है उसके 4, 5 और 6 सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि हमने इन कंस्ट्रेंट्स से ही ये जो है कंडीशंस आ रही हैं। तो हमारे पास x5 इक्वल 6 है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ वीक पे हमें 6 वर्कर्स चाहिए। अब ये फार्मूला जो है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर ईच x इक्वल्स 4, c1 x5 माइनस 6 प्लस c2 x5 minus x4, whenever x4 equals 4, x5 minus 4 will be c2 into 2. c2 into 2 ये recursive जो constraint हमारे हैं उससे हमारे पास क्या आ रहा है, c1 x5 minus 6, x5 जो है 6 है, तो ये हमारा बन जाएगा C1 6 माइनस 6 प्लस C2 X5 हमारा 6 है माइनस X4 फर्स्ट रो के लिए 4, ये बन गया। तो 3 इंटू ज़ीरो, क्योंकि इस फार्मूले से ये आ रहे हैं C1 X5 माइनस 6 जो है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो प्लस 4 इस फार्मूले से C2 XI जो है आपका 5 है माइनस X4 जो कि हमारा ये बन रहा है 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 जो कि 2 बन रहा है, 4 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज मैं यूज कर रहा हूँ इनको कैलकुलेट करने के लिए। F5X4 जो है वो 8 आ गया, X5 स्टैटिक जो कि नंबर मुझे बताता है 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि x5 स्टैटिक जो है 6 है। When x4 equals 4 ये तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि ये इस फार्मूले में c1 में 6 माइनस 6 आ रहा है, ये मेरा चेंज होगा। इस फार्मूले में मैं 6 माइनस 5 ये मैं डालूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 5 जो कि 6 बन रहा है, और 6 के लिए ये मेरे पास 0 ही आ रहा है। तो F5X4 ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था दैट विल बी 6 एंड फॉर दिस हियर वी हैव 0 एंड X5 स्टैटिक विल बी 6 6 एंड 6। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी 6 की है। अब नेक्स्ट स्टेज 4 में हमारे पास B4 में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो लेबर्स शुड बी इक्वल्स 4, तो यहाँ पे B4 जो है इक्वल्स 4 है। द डाटा ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे डाटा ऑफ द प्रॉब्लम समराइज किया हुआ है क्योंकि इसको अगेन एंड अगेन हमने यूज़ करना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑप्टिमल फॉर दिस टेबल फॉर ईच स्टेज। अब X3 जो है ये रिकॉल कीजिए कि XI जो था ये ith वीक में नंबर ऑफ लेबर्स जो थे हमें चाहिए थे वो था, तो x3 में वीक 3 के एंड वीक 3 में हमें 8 चाहिए, दैट्स वाई x3 इक्वल्स 8 और मैक्सिमम जो है हमें 8 है इसमें मैक्सिमम, दैट्स वाई इन द लास्ट इटरेशन व्हेन द नंबर ऑफ B5 में 6 था तो हम X4 को 4, 5, 6 तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो थी ये आई थी। तो X3 B3 के लिए हमारे पास 8 है, तो हम मैक्सिमम 8 ही पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास वर्कर्स की है जो कि हम थर्ड वीक में हमें चाहिए, तो X3 विल बी 8। X4 जो है वो 4, 5 और 6 ये लास्ट टेबल से हमने कैलकुलेट किया, F5 भी लास्ट टेबल में हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और ये फार्मूलाज जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था इन फार्मूलाज को यूज़ करके अल्टीमेटली वी हैव दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस फार्मूला को F4X3 इक्वल्स दिस वन, ठीक है, और इसको x इक्वल्स x4 इक्वल्स 4 के लिए कैलकुलेट किया गया है, x4 इक्वल्स 5 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, x4 इक्वल्स 6 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। सो F4X3 जो कि मिनिमम था इन तमाम का, वो मिनिमम ऑब्वियसली 6 आ रहा है एंड x4 स्टार आवर x4 स्टार इज 6। नेक्स्ट स्टेज 3 में हमारे पास B3 तो 8 है, लेकिन X2 वीक 2 में हमारे पास कितना होना चाहिए, लेबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। सो वी हैव 7 and 8 टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर X2, और उसके लिए फार्मूला हमारा रिकर्शन फार्मूला, बैकवर्ड रिकर्शन फार्मूला डीपी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वो ये बनता है, ठीक है। तो F3X2 विल बी द मिनिमम ऑफ दीज वन, वेयर X3 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि X3 equals 8। अब इस फार्मूले को यूजिंग दीज फार्मूलाज हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने से फॉर एग्जांपल C1 X3 8 है, 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, प्लस C2, इस C2 के फार्मूले में X3 8 डालेंगे और X2 जो है उसका पहले डालूंगा मैं 7 प्लस F4 X8 जो कि 6 है, 6 इस फार्मूले में 4 प्लस 2 इंटू 1 आएगा, ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये एंट्रीज इस तरह मैंने फिल की हुई हैं। सिमिलरली 8 के लिए जो है ये एंट्रीज आ रही हैं, इन दोनों का F3X जो है वो 12 एक ही वैल्यू है, तो when X2 equals 7 वो 12 आएगा, when X2 equals 8 वो 6 आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यूज है तो वो ही मिनिमम होगी। X3 स्टार जो है वो दोनों 8 और 8 आएगा, X3 स्टार क्योंकि वो 8 ही था। नेक्स्ट स्टेज 2 में वंस अगेन आई हैव केप्ट ऑल द इनिशियल डाटा, B2 equals 7 आपका है, द डाटा ऑफ द प्रॉब्लम आर समराइज्ड एज, क्योंकि इसी से ही आप टेबलू ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। C1 X3 माइनस 8 प्लस C2 X3 माइनस X2, इनफैक्ट ये F3 X2 जो है ये आप इस तरह आपका रिकर्सिव फार्मूले में आता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है। अब X2 में आपका जो है वीक 2 में 7 है, इनफैक्ट ये मैंने पिछला टेबल जो है दोबारा रिटेन किया हुआ है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। स्टेज 1 में जो है B1 equals 5 हमें चाहिए और X1 के लिए पॉसिबिलिटीज 5 से स्टार्ट होके 6, 7, 8 इन सब के लिए, X2 पिछला उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज सिर्फ थी 7 एंड 8 और फार्मूला मेरा ये बनता है। अब ये फार्मूला C1Xi माइनस Bi ये दोनों फार्मूलाज यूज करके आई कैन हैव द कैलकुलेशंस ऑफ ऑल दीज। इन सब में से अब मैं मिनिमम देखूंगा, F2X1 क्या है, मिनिमम ऑफ 20 and 19, 18 and 17, और X2 स्टैटिक क्या आ रहा है 8, 8, 7, जिसके कोरस्पोंड ये होगा। X2 स्टार किस तरह मैं निकाल रहा हूँ कि ये देखें ये 19 किसके कोरस्पोंड है, X2 equals 8 के कोरस्पोंड मिनिमम वैल्यू है ना, तो मैं यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 17 X2 equals 8 के कोरस्पोंड है तो यहाँ पे X2 स्टार 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह जिसके कोरस्पोंड ये F2 X1 वैल्यू आ रही है, हर टेबल में इस तरह की है। अब ये 12 जो है ये X2 equals 7 के कोरस्पोंड है तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ, और यहाँ पे 9 जो है ये X2 equals 8 के कोरस्पोंड है तो X2 स्टार जो है वो मैंने 8 लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेज 1 में ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। द ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस तरह हम निकालेंगे कि X0 equals 0 implies X1 star equals 5, X2 star equals 8, X3 star equals 8 and X4 star equals 6, X5 star equals 6, ठीक है। This solution can be translated to the following plan. अब ये week I 1, 2, 3 हमारे प्रोजेक्ट का स्पैन week 1 से week 5 तक था, तो किस तरह स्पैन किया जाए। मिनिमम लेबर फोर्स BI ये में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्चुअल लेबर फोर्स जो है वो कितनी है, X = 5, जो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन आ रहा है कि फर्स्ट वीक में जब स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है तो 0, X1 स्टार क्या आ रहा था, X1 स्टार जो है वो 5 है, X2 स्टार जो है वो 8 है, X3 स्टार जो है वो 8 है, और ये पिछले टेबल से मैं निकाल रहा हूं। X2 स्टार जो है ये 8 है, ठीक है, और X2 स्टार X3 स्टार भी 8 है, X4 स्टार 6 है, सो एंड सो फोर्थ। इसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं इस तरह। डिसीजन क्या है, डिसीजन मेरा है कि वीक 1 में हायर 5 वर्कर्स, कॉस्ट कितनी आ रही है, 4 + 2 × 5 = 14। वीक 2 में हायर 3 वर्कर्स, कॉस्ट कितनी आ रही है, 4 + 2 × 3 जो कि पहले मेरा रिटेन किया, प्लस 1 × 3 = 13। अब ये $100 में है। वीक 3 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं लाना, 0 कॉस्ट। वीक 4 में फायर 2 वर्कर्स, 2 वर्कर्स को आउट करना है, 3 × 2 = 600 ये आ रहा है। वीक 5 में कोई चेंज नहीं लाना, देन the total cost is $3,300, which is the sum of all these 14 plus 13 plus 6 and ये जो है ये आपका आ रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो हमारा रिटेन करने की कॉस्ट है वो भी ऐड का हम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम में दिया था। और टोटल F10 जो है वो 3,300 जो है ये आएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इन्वेंट्री मॉडल्स, जो कि इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स ये भी हम डायनामिक DP प्रॉब्लम से ही सॉल्व करेंगे। DP हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन द एरिया ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री प्रॉब्लम इनफैक्ट होता क्या है, ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे पहले भी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एप्लीकेशन में इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि डिमांड सर्टेन पीरियड में बढ़ सकती है, तो हम पहले से ही कम रेट पे परचेज करके अपने वेयर हाउसेज में कोई चीज़, प्रोडक्ट जो है, कमोडिटी जो है, उसको सेव कर लें, और जब उसकी डिमांड बढ़े, जब हम में इतनी कैपेसिटी ना हो कि हम डिमांड जो है वो फुलफिल कर सकें, तो उस वक़्त हम अपने वेयर हाउसेज से इन्वेंट्री जो है, कमोडिटी जो है वो निकाल के मार्केट में सप्लाई करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से प्रॉफिट अपना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इन ऑल द DP मॉडल्स वी प्रेजेंटेड द स्टेट एट एनी स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि स्टेट ऑफ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो एक सिंगल वेरिएबल से ही आप जो है वो हर बार रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल इन द नैपसैक मॉडल, नैपसैक मॉडल में द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज द वेट ऑफ द आइटम, लेकिन वेट ही सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये भी हो सकता है कि एक ऐसी क्वांटिटी हो जिसका वेट तो कम हो लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। जाहिर बात है आप बैकपैक जब कर रहे हैं, अपना फिल कर रहे हैं, तो आप इस तरह की कोई चीज ऐड नहीं कर सकते जिसका वेट तो कम हो लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो। तो वॉल्यूम भी मैटर करता है व्हेन एवर यू आर फिलिंग योर बैकपैक, ठीक है। मोर रियलिस्टिकली द वॉल्यूम ऑफ द नैपसैक मे आल्सो बी अनदर वेरिएबल, वायबल रिस्ट्रिक्शन। इन सच अ केस द स्टेट एट एनी स्टेज इज सेट टू बी 2 डायमेंशनल। जितने वेरिएबल आ जाएंगे उतने डायमेंशनल जो है वो बढ़ जाएगी, और ये इसको हम कर्स ऑफ डायमेंशन कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, वेट एंड वॉल्यूम। अब ये प्रॉब्लम्स जिसमें आपका जो है वो वेरिएबल्स जो हैं जिस पे आपकी स्टेट डिपेंड कर रही है वो बढ़ जाए, तो जाहिर बात है प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो रेज होगा। ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम होगा। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इंक्रीजेज द कंप्यूटेशंस एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे कंप्यूटेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं स्टेट वेरिएबल्स के बढ़ने से। स्टेट जो है वो जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है उनके बढ़ने से। दिस इज पर्टिकुलरली क्लियर इन डीपी tabular computations because the number of rows in each tableau corresponds to all possible combinations of the state variables. ठीक है? The computational difficulty is sometimes referred to in the literature as the curse of dimensionality. अगर आपका state किसी एक particular problem का वो suppose करें कि 3 जो है वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है उसकी डायमेंशन जो है 3 डायमेंशन है और इसी तरह उसका टेबलू जो बनेगा उसकी रोज जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 वेरिएबल्स वो ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, और टेबलू हमने लास्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किया था। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एसीएमई मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स। ये कोई कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। द डेली कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 430 मिनट्स। डेली कैपेसिटी जो है वो 430 मिनट्स है। प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 2 मिनट्स पर यूनिट। अगर हम प्रोडक्ट 1 का x1 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कितना टाइम ये लेगा? 2x1। एंड प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 1 मिनट। और प्रोडक्ट 2 का अगर x2 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये x2 यूनिट्स टाइम लेगा पर यूनिट। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी प्रोड्यूस करें। बट द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट 2 इज 230। इसका मतलब है x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड 230 है। अब कंजम्पशन आवर्स कितने हैं? 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 430। ये आपके कंस्ट्रेंट आ गए। द यूनिट प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट 1 इज $2 एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट 2 इज $5। तो मैक्सिमाइज आपका ये आ गया। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब ये आपका प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्राम। मैक्सिमाइज दिस कंस्ट्रेंट maximize this objective function subject to these constraints. The elements of the DP model are stage I correspond to product I equals 1 to 2. Alternative xi is the amount of product I equals 1 to 2. State, अब state variable की state जो है वो v2 और w2 है, represents the amount of resource 1 and 2. Production time and demand limits used in stage 2. अब state V1, VW1 represents the amount of resources 1 and 2, production time and demand used in stages 1 and 2. अब ये states जो है ये हमने define कर दी हैं कि V2, W2 क्या है, amounts of resources फॉर प्रोडक्ट 1 एंड 2, प्रोडक्शन टाइम एंड डिमांड लिमिट्स, ये जो है। ठीक है, और स्टेट V1 VW क्या है? रिप्रेजेंट्स द अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज 1 एंड 2, प्रोडक्शन एंड डिमांड टाइम इन स्टेजेस 1 एंड 2. ठीक है, पहला सिर्फ स्टेज 2 के लिए। लेट्स डू हाउ वी सॉल्व दिस वन। स्टेज 2 बैकवर्ड रिकर्शन। डिफाइन F2 V2 W2। अब स्टेट जो है वो 2 वेरिएबल्स पे है, यानी कि 2 डायमेंशनल हमारा ये प्रॉब्लम है। आवर प्रॉब्लम इज 2 डायमेंशनल। डिफाइन F2 V2 W2 एज द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर स्टेज 2 प्रोडक्ट 2. गिवन द स्टेट V2 W2 देन F2 V2 W2 इज मैक्सिमम ऑफ the ranges 0 x2 less than equal to v1 and 0 x2 less than equal to w2, where this is coming from the profit objective function of problem which we are considered. अब आप याद रखिएगा कि x प्रोडक्ट 2 का जो प्रॉफिट था वो $5 था. That's why I have written here 5 into x2 and I have to maximize this one. Thus maximize 5x2 occurs at x2 minimum of v2 w2 and the solution for stage 2 is given by this table. State v2 w2 optimum solution is 5 times minimum of v2 w2. और x2 जो है वो मिनिमम ऑफ v2 एंड w2 होगा. अब स्टेज 1 पे अब मैं क्या करूंगा, f1 मैंने f1 डिफाइन करना है विच इज द मैक्सिमम ऑफ 0 टू x1 अप टू v1. v1 ये रेंज है आपकी विच इज इक्वल्स टू x1 विच वाज द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट of product 1 in the objective function 2x1 plus 5x2. ये आपका objective function था, just मैंने लिख दिया है ताकि आपको understand कर सकें. plus f of 2 v1 minus 2x1 w1 जिसको simplify करके मैं इस expression में जब मैं f of 2 की value यहाँ से डालूं which is 5 times minimum of v2 W2 ये जब मैं डालूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इनपुट मिनिमम ऑफ V2 की जगह क्या है V1 माइनस 2x1, W2 की जगह क्या है W1. ये मेरा F2 की डेफिनेशन थी 5 इंटू दिस वन. तो ये देख लें 2x प्लस 5 2x1 प्लस 5 मिनिमम ऑफ दिस वन. यहाँ पे 2x1 है, ठीक है. The optimization of stage 1 requires the solution of a generally difficult minimax problem. For the present problem, we set V1 equals 430 and W1 equals 230. ये जो constraint थे उनकी maximum value के equal जो है वो कर लिया, which gives ranges of 2x1 0 to 430 because minimum of 430 minus 2x 130 is lower envelope of two intersecting lines. ठीक है, इसको वेरीफाई भी कीजिए. It follows that minimum of this minimum 430 minus 2x1 230 whenever x1 is from this range, और इसको मैंने split किया हुआ है 0 से 100 तक. 100 वैल्यू यहाँ पे डाल दें 430 माइनस 230 तो मिनिमम यहाँ पे 200 आंसर आएगा, इसका 230 आएगा. इन दोनों का मिनिमम जो है वो 230 ही आएगा, तो यहाँ पे 230 लिखा हुआ है. वेन एवर x1 इज बिटवीन 100 एंड 215 मैंने जो है 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया 215 और इसको मैं क्यों कर रहा हूँ 100 और 215 इसमें इसलिए डिवाइड कर रहा हूं कि मेरा वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, फॉर दीज टू इंटरवल्स. अब 100 से x1 की वैल्यू अगर 215 के दरमियान है तो मेरा मिनिमम जो है वो ऑफ कोर्स 430 माइनस 2x1. अब x1 जो है वो 100 से बड़ी वैल्यू है, 215 से कम. 100 से बड़ी जब मैं डालूंगा तो वो ये नेगेटिव मिनिमम आपका ये वाला ही हमेशा बनेगा, 230 से हमेशा बड़ी ही वैल्यू होगी क्योंकि 100 डाल के मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 100 डाल के मेरे पास ये क्या बनता है 430 माइनस 200 जो कि 230 के इक्वल आता है, ठीक है. तो अगर 100 से एक यूनिट भी मैं ऊपर जाता हूं तो मेरा मिनिमम जो है वो ये वाली क्वांटिटी बनेगी 430 माइनस 2x1. दैट्स व्हाई वेन एवर माई x1 इज बिटवीन 100 एंड 215 और यहां पे 215 क्यों है क्योंकि x1 की रेंज ये है 2x1 less than equals to 430 which implies 0 less than equal to x1 2 से डिवाइड करें 215. इसलिए मैं इसको दो इंटरवल्स में इस पूरे इंटरवल को 0 से 215 को 0 से 100 में और 100 से 215 में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि 0 से 100 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ और है और 100 से 215 में इसकी मिनिमम वैल्यू ये बनेगी. ठीक है, और ये क्यों बनेगी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 100 से आप x1 equals 101 रख के ये दोनों कैलकुलेट करें. 430 माइनस 202 जो कि ये मिनिमम 228 बनेगा मिनिमम. ठीक है, 102 रखें तब भी ये हर अप टू 215 ये ही बनेगा मिनिमम. ठीक है, और दैट्स व्हाई आई रोट द मिनिमम ऑफ दिस वन इक्वल्स 430 माइनस 2x1. जब इसका मिनिमम डिसाइड हो गया तो f1 430 230 जो कि मैक्सिमम है कि x1 की रेंज इस रेंज पे v1 वेयर v1 मैंने जो सेट किया 430 और इसको सिंप्लीफाई करके वी कैन हैव दिस वन जो कि 2x1 प्लस 5 टाइम्स मिनिमम. अब ये पीसवाइज डिफाइंड है तो ये भी ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ x1 पीसवाइज डिफाइंड होगा. वेन एवर x1 इज बिटवीन 0 टू 100 तो 230 आप ऐड कर देंगे. 230 इंटू 5 जो है ये 1155 बनता है. ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2x1 ये वाला 2x1 प्लस 5 टाइम्स मिनिमम ऑफ दिस वन फॉर दिस इंटरवल. 2x1 प्लस 5 टाइम्स मिनिमम ऑफ दिस वन जो कि क्या बनता है 2x1 प्लस 5 टाइम्स 430 माइनस 2x1. तो ये मेरा बनता है 2x1 प्लस 2150 माइनस 10x1. इसको सिंप्लीफाई करो माइनस 8x1 प्लस 2150. एग्जैक्टली ये यहाँ पे लिखा हुआ है. वेन एवर वी हैव x1 बिटवीन 100 एंड 215 सो f1 430 ये हमने कैलकुलेट कर दिया. यू कैन ईजिली वेरीफाई. अब ये प्रॉब्लम जो है ये इसमें दो डिसीजन वेरिएबल हैं x1 एंड x2. यू कैन सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड जो हमने बहुत पहले पढ़ा था. ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन वेरीफाई दैट कि आपका x1 इक्वल्स 100 जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा. दस वी गेट यू कैन वेरीफाई ग्राफिकली दैट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ f143 अकर्स एट x1 इक्वल्स 100 और उसकी एक मैथमेटिकल रीजन भी है. सो द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज स्टेट क्या हुई 430 230 x1 इक्वल्स 100 f1 v1 w1 इक्वल्स 1350. टू डिटरमिन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x2 वी नोट दैट v2 जो है वो क्या है v1 माइनस 2x1 430 माइनस 200 इक्वल्स 230 और w क्या है w1 माइनस 0 230 और x2 जो था वो रिकर्सिव फार्मूले से मिनिमम v2 और w2 का था जो कि 230 है. सो x1 इक्वल्स 100 एंड x2 इक्वल्स 230. दिस इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन. The complete optimum solution is thus summarized as x1 equals 100 units, x2 equals 230 units and z equals 1350. अब इसी प्रॉब्लम को आप सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल्स 430 स्लैक वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे 230. ठीक है, और जब आप सिंप्लेक्स टेबलू बनाएंगे और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे, आपका z इक्वेशन क्या बन रही है, z माइनस 2x1 माइनस 5x2 इक्वल 0। द मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग वेरिएबल आपका कौन सा होगा, x2, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है तो x2 विल एंटर एट योर स्टार्टिंग आइटरेशन और लिविंग वेरिएबल आप रेशियोज से डिसाइड करेंगे, मिनिमम रेशियो, ठीक है, नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे और मिनिमम रेशियो जो है वो दैट वेरिएबल विल लीव द सॉल्यूशन। अब आप इस प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रॉब्लम से भी, डीपी प्रोग्रामिंग से भी आपने सॉल्व किया, सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करें और कंप्यूट करें कि कंप्यूटेशनली किस पे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दैट विल शो यू के हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बेटर देन द अदर कन्वेंशनल वेज विच इज द सिंप्लेक्स मेथड। अब सेकंड पार्ट जो है वो मैंने रखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू द क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई हम बैंक में अगर पैसे निकलवाने हों तो काउंटर तो कम होते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं, लोग ज़्यादा रश होता है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, दैट इज़ क्यूइंग थ्योरी। किस तरह जो है क्यूइंग थ्योरी में कस्टमर और जो है आपका सर्विसेज जो है जो कि बैंक कैशियर प्रोवाइड कर रहा होता है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है इसको हम स्टडी किया करेंगे। कस्टमर और सर्विसेज के दरमियान रिलेशनशिप और किस तरह हम जो है इसको बेटर किया जा सकता है। कितने हमें लोग चाहिए होंगे कि हमारा जो है वेटिंग टाइम जो है क्यू में वो मिनिमाइज हम कर सकते हैं विद इन आवर कॉस्ट। इस तरह नहीं कर सकते कि आप कैशियर के काउंटर जो है वो 10 कर दें और आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन बियरेबल वेटिंग टाइम में हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ काउंटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल बैंक में कैशियर के काउंटर जो हैं वो हम कितने बढ़ा दें कि हमारे कस्टमर का जो वेट करना पड़ता है फॉर गेटिंग द कैश और डिपॉजिटिंग द कैश वो बियरेबल हो, ठीक है। वेटिंग फॉर सर्विस इज़ पार्ट ऑफ आवर daily life. We wait to eat in restaurants, we queue up at the check counters in grocery stores, and we line up for services in post office. Even in the United States today, it has been estimated that Americans spend this, it's a large number, hours per year waiting in queues. अगर इन इस टाइम को जो है हम वेटिंग को रिड्यूस किया जाए, सो एवरीबॉडी कैन प्रोड्यूस डू समथिंग प्रोडक्टिव इन दिस टाइम जो कि वेटिंग में वेस्ट किया हर किसी ने। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आपको जो है इंट्रोडक्शन टू क्यूइंग थ्योरी में इंट्रोडक्शन ही सिर्फ आपको करवाऊंगा और टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। And the waiting phenomena is not an experience limited to human beings only. Great inefficiencies also occur because of other kinds of waiting other than people standing in line. For example, making machines wait to be repaired. एक मशीन आपका कोई काम कर रही है, अब वो रिपेयर करने के लिए काम नहीं कर पा रही तो मशीन वेट कर रही है कि मैं रिपेयर कोई मुझे करे और मैं वापस काम पे काम कर सकूं किसी फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल में है तो ये भी वेटिंग में ही आता है। व्हीकल्स इंक्लूडिंग शिप्स एंड ट्रक्स दैट नीड टू वेट टू बी अनलोडेड मे डिले सब्सिक्वेंट शिपमेंट्स। ऑब्वियसली कि आपके पास एक शिप आता है, उसके अंदर आपकी कमोडिटी है, उसको अनलोड करेंगे जो ऑलरेडी उसमें है तभी तो आप उसमें कुछ लोड करके शिपमेंट कर सकेंगे। तो अनलोड अगर नहीं आप करेंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी कमोडिटी जो है पहले अनलोड करेंगे और उसके बाद जो आपने भेजना है कहीं पे वो आप लोड करेंगे तो शिपमेंट डिलेज भी हो सकती हैं। एयरप्लेन्स वेटिंग टू टेक ऑफ और लैंड में डिस्टर्ब लेटर ट्रैवल स्केड्यूल्स, और ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं लेट होती हैं। डिलेज इन टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस ड्यू टू सैचुरेटेड लाइन मे कॉज डाटा ग्लिचेस। ये भी हम आजकल इंटरनेट का दौर है, हर कोई अपने मोबाइल में भी नेट जो है यूज़ कर रहा होता है, नेट की स्पीड स्लो है, ये नेटवर्क ही एक होता है। कॉजिंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स टू वेट टू बी परफॉर्म्ड में डिस्टर्ब सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन। अगर आप हायर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन में जाहिर बात है डिले आ सकता है। डिलेइंग सर्विस जॉब्स बियॉन्ड देयर ड्यू डेट्स में रिजल्ट इन लॉस्ट फ्यूचर बिजनेस। फ्यूचर में आपसे कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा अगर ये आप जो है टाइम पे नहीं प्रोडक्शन अपनी प्रोड्यूस करके अपने जो यूज़र है उसको देते। क्यूइंग थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ वेटिंग इन ऑल दीज वेरियस गाइजेस। इट यूजेस क्यूइंग मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम्स। Systems that involve queues of some kind that arise in practice. Practice में जो formulas for each model indicate how the corresponding queuing system should perform, including the average amount of waiting that will occur under a variety of circumstances. ठीक है, तो ये queuing theory की different applications थी और क्या effect होते हैं ये भी आपको बताया। आप queuing theory जो है ये tough ज़रा topic है, इसके लिए मॉडल जो है डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू डिफरेंट मॉडल्स लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। मैकबर्गर इज़ अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट विद 3 सर्विस काउंटर्स। द मैनेजर हैज़ कमीशन्ड अ स्टडी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अबाउट स्लो सर्विस। अब कस्टमर कहता है कि बड़ी स्लो सर्विस है, दे हैव टू वेट अलॉट। तो मैनेजर जो होता है वो एक इन्वेस्टिगेट कर देता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है कितना स्लो रेट, कितने काउंटर होने चाहिए और कितना वेट जो है वो पर कस्टमर को करना पड़ेगा। द स्टडी रिवील्स दैट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ सर्विस काउंटर्स एंड द वेटिंग टाइम फॉर सर्विसेज। इसका मतलब ये क्या है कि अगर एक ही काउंटर हो तो एवरेज टाइम अ ह्यूमन बीइंग waits for getting the burger is 16.2 minutes. अगर 2 काउंटर हो तो 10.3 minutes एवरेज वेट करना पड़ता है। अगर 3 काउंटर हो तो 6.9 minutes। ऑब्वियसली कि काउंटर बढ़ाते जाएंगे तो वेटेज जो है वो वेट करना जो है इंतज़ार करना जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब 7 काउंटर्स अगर हो तो 1.3 होगा। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि आप काउंटर इंक्रीज कर दें वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, लेकिन काउंटर इंक्रीज करने के लिए आपको कॉस्ट आती है, आपको जो पर्सन हायर करना पड़ता है या मशीन हायर करनी पड़ती है वो जो है उसको आपको पे करना पड़ता है। तो आप इस तरह का सोल्यूशन नहीं चाहते कि आप कोई कह दें कि 10 काउंटर्स जो हैं वो आप लगा दें, मिनिमम हो जाएगा आपका वेटिंग टाइम जो है। अब आपके कस्टमर जो है प्रॉफिट जो है वो आपका इतना हो ही ना जितना आपकी कॉस्ट हो जाए 10 काउंटर्स बनाने से। इस तरह नहीं हम चाहते, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहते हैं क्यूइंग थ्योरी में कि हमारा जो है कॉस्ट भी कम रहे और वेट भी जो है उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ दीज डाटा शो अ 7 मिनट एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द प्रेजेंट 3 काउंटर। प्रेजेंटली 3 काउंटर हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट जो है वो वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है किसी को बर्गर परचेज करने के लिए। 5 काउंटर्स आर नीडेड टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम टू अबाउट 3 मिनट्स। 5 काउंटर जो है अगर हो तो 3 मिनट्स तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिमार्क क्या है, द रिजल्ट ऑफ क्यूइंग एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया। वेयर वी सीक द मिनिमाइजेशन ऑफ द सम ऑफ 2 कॉस्ट्स। 2 कॉस्ट हैं, किस तरह की कॉस्ट हैं? द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस एंड द कॉस्ट ऑफ वेटिंग। कि वेट करने का कॉस्ट क्या है और ऑफर एक सर्विस आप ऑफर करते हैं, एक काउंटर और आप लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, अब ये फिगर जो है ये रफली आपको बताती है कि एक टिपिकल कॉस्ट मॉडल जो है वो उसकी इक्विलिब्रियम या लेवल ऑफ सर्विस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री कब आ सकती है। दिस फिगर डिपिक्ट्स अ टिपिकल कॉस्ट मॉडल वेयर द कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ सर्विस काउंटर अब लेवल ऑफ इंक्रीज आप कर रहे हैं लेवल ऑफ सर्विस का। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग कस्टमर पर यूनिट टाइम, ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस फैसिलिटीज वो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल कॉस्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मिनिमम पॉइंट जो होगा दैट इज द लेवल ऑफ सर्विस, इट शुड बी रीच्ड, दैट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है, इट शुड बी रीच्ड इन एनी केस, ताकि वेटिंग टाइम जो है वो भी बेयरेबल हो और कॉस्ट जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी बेयरेबल हो। एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ वेटिंग डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ सर्विस। ऑफ कोर्स अगर लेवल ऑफ सर्विस इस यूनिट में है तो कॉस्ट वेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, लेकिन अगर लेवल ऑफ सर्विस हम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैशियर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज वो तो इंक्रीज हो रही है ना, तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए होता है। तो ये तो एक जेनेरिक जो है ग्राफिकल पिक्टोरियल सिचुएशन थी जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ सर्विस जो है वो कब ऑब्टेन की जा सकती है। अब एलिमेंट्स ऑफ क्यूइंग मॉडल, ये कुछ टर्म्स हैं क्यूइंग थ्योरी की जो कि मैंने इंट्रोड्यूस की हैं। द प्रिंसिपल एक्टर्स इन द क्यूइंग सिचुएशंस आर द कस्टमर एंड द सर्वर or the person or the machine which provides the services. Customers are generated from a source. Customers जो हैं हम suppose कर लेते हैं कि there is a source from where we are having the customers. On arrival at the service facility they can start service immediately. अगर क्यू नहीं है तो they will be offered the services immediately. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपका टेबल कोई empty है, immediately you sit down the table and suddenly a waiter came and you are at the service, ठीक है, जो waiter है वो आपको provide करता है कि आप क्या लेना चाहेंगे and immediately आपको कोई queue में कोई wait नहीं करना पड़ता। अगर आप restaurant ऐसे में जाते हैं जहाँ पे all the tables are filled and you want to eat from that restaurant then of course you have to wait। अगर आपसे पहले कोई customer आए होंगे of course उनका right जो है पहले होगा, लेकिन हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपने एक कस्टमर को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑन अराइवल एट अ सर्विस फैसिलिटी दे कैन स्टार्ट सर्विस इमीडिएटली और वेट इन अ क्यू इफ द फैसिलिटी इज बिजी। व्हेन अ फैसिलिटी कंप्लीट्स अ सर्विस इट ऑटोमेटिकली पुल्स अ वेटिंग कस्टमर। अगर एक जो वेटर है आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वो एक फैमिली से पूछ लेता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू वुड लाइक टू टेक इन योर लंच और योर डिनर, फिर वो उन एक फैमिली को कंप्लीट कर लेता है, देन ही मूव्स टू द अदर कस्टमर, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। इफ एनी फ्रॉम द क्यू, इफ द क्यू इज एम्प्टी द फैसिलिटी बिकम्स आइडल अंटिल द न्यू कस्टमर अराइव्स। अगर कोई क्यू नहीं है सर्विस जो है वो आइडल हो जाती है, कस्टमर का वेट कर दिया। फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ एनालाइजिंग क्यूइंग क्यूज द अराइवल ऑफ कस्टमर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटर अराइवल टाइम बिटवीन सक्सेसिव कस्टमर। और ये अब फिक्स्ड नंबर नहीं है। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं नेक्स्ट कस्टमर आपका कब आएगा, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। पास्ट एक्सपीरियंस से आप ये बता सकते हैं भाई विद इन 10 मिनट्स रेंज में हमारे पास एक नया कस्टमर आता है। दैट्स वाई क्यूइंग थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं वी स्टडी द प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स, इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक के दरमियान डिफरेंस जो है ये मैंने आपको बता दिया था। बाय द सर्विस टाइम पर कस्टमर generally the inter arrival and service times can be probabilistic as in the operation of post office or deterministic as in the arrival application for jobs. ये deterministic भी हो सकती हैं लेकिन deterministic के लिए बड़ी कम situations होती हैं, normally ये probabilistic ही होती हैं। Queue size plays the role in the analysis of queues, and it may have a finite size as in the buffer area between the successive machine, or it may be infinite as mail order facilities. ये दो examples हैं. Queue discipline ज़ाहिरी बात है define करने का, which represents the order in which customers are selected from a queue, is an important factor in the analysis of queuing models. अब ये different तीन जो हैं कि किस तरह किस order से जो है customer को आप serve करेंगे. First come, first serve. पहले ये possibility है. Other possibilities include last come, first serves and service in random order. कि random order से हमने serve करना जी. एक possibility ये है कि first come, first serve जो है ये हम करेंगे. एक possibility ये है कि last come, first serve होगा. Customers may also be selected from the queue based on some order of priority. For example, के बाद जगह पे लिखा होता है कि senior citizen या old cities या handicap जो हैं उनको priority है, उनके लिए counter अलग होता है. तो priorities पे भी depend करता है queuing theory में. The source from which the customers are generated may be finite or infinite. A finite source limits the customers arriving for service. An infinite source is forever abundant. Variation in the elements of queuing situation give rise to a variety of queuing models. जितनी वेरिएशन मैंने डिस्कस की हैं उतने ज़्यादा मॉडल्स जो हैं क्यूइंग मॉडल्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं लिटरेचर में. ये जस्ट क्यूइंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन था जो कि मैं आपको देना चाहता था और आइडिया देना चाहता था कि क्यूइंग थ्योरी जो है वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करती है. और कुछ टर्म्स मैंने डिफाइन किए हैं, लेकिन ये इस थ्योरी का मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो बैकग्राउंड है. इसका मतलब क्या है कि वो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल्स वाइल मॉडलिंग द क्यूइंग थ्योरी. ये इसी तरह मैंने क्यूइंग थ्योरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना था और एट द एंड ऑफ लेक्चर, क्योंकि आज का लेक्चर के मैं आपको चाहता हूँ कि आप जो हमने स्टडी किया वो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ. तो आज के लास्ट सेक्शन में ही मैं कुछ जो है रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको, जो टॉपिक हमने सेकंड पार्ट से ऑनवर्ड्स किए हैं, क्योंकि पार्ट वन का एक कंप्लीट रिवीजन लेक्चर मैंने आपको करवा दिया था पार्ट टू से. सो माय रिवीजन विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट टू, और पार्ट टू हमने स्टार्ट की थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की. सो लेट्स रिवाइज द अ लिटल बिट ओवर कोर्स बिकॉज वी आर हैविंग द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ ओवर. अगर आप रिकॉल करें कि मैंने आपके कोर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है. अब देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है. पार्ट वन में ओरिजिन, नेचर, लीनियर प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग जो थी ये ओआर प्रॉब्लम्स की, सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिविटी एनालिसिस, डूअर प्रोग्रामिंग, ये हमने डिटेल में हर टॉपिक जो है इसका हमने पार्ट वन का स्टडी किया. पार्ट टू में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स थी, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स थी, ये भी हमने डिटेल्ड डिस्कस किया था. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स भी और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी, इनफैक्ट ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम विच इज़ द मोर जनरल प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो भी हमने डिस्कस किया था. पार्ट थ्री में इंटीजर प्रोग्रामिंग हमने डिटेल डिस्कस की, नेटवर्क मॉडल्स, 4 डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स, फिजिकल वर्ड के प्रॉब्लम्स जिनके कोरस्पोंड नेटवर्क एक मॉडल आता था, नेटवर्क आता था, 4 डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी और 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स स्टडी किए और हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी. फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पार्ट के लिए 2 एल्गोरिदम पढ़े थे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए 2 एल्गोरिदम पढ़े थे, ठीक है. तो नेटवर्क मॉडल्स और इंटीजर प्रोग्रामिंग ये हमने डिटेल डिस्कस किए. इन्वेंट्री मॉडल्स जो हैं ये हमने सब क्लासेस में डिस्कस किए हैं, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी इन्वेंट्री मॉडल की एक एग्जांपल की है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी इन्वेंट्री मॉडल्स की हैं. तो सो वी हैव डिस्कस्ड आल्सो द इन्वेंट्री मॉडल्स. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इन्वेंट्री मॉडल्स इस तरह डिस्कस किए थे कि इन्वेंट्री मॉडल्स कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स. डायनामिक प्रोग्रामिंग मॉडल्स ये भी हमने डिटर्मिनिस्टिक डायनामिक प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो हैं ये डिस्कस किए हैं अपने कोर्स में. और क्यूइंग थ्योरी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया. तो रिवीजन के लिए वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो तो कंप्लीट रिवीजन ही लेक्चर होगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने कुछ कहा था क्योंकि एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक पार्ट 2 और पार्ट 3 के रिवाइज करने इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो है ना वो आज के लेक्चर के एंड पे चूज कर लिया कि मैं रिवाइज आपको कराऊंगा। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन टेबल अभी आप स्लाइड पे देख रहे हैं जो कि जनरल प्रॉब्लम का है। और एक बात आपने याद रखने की थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा हमेशा सोर्स में सप्लाई और डेस्टिनेशन में डिमांड इट शुड बी इक्वल। इसको हम कहते थे कि प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है तो यू विल मेक दैट प्रॉब्लम बैलेंस्ड बाय क्रिएटिंग डमी सोर्सेज और डमी डेस्टिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है टेबलू है, ये टेबलू आपको बड़ी अच्छी तरह आता है जिसमें जो है हमारे पास M सोर्सेज हैं और N जो है वो डेस्टिनेशंस हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स M×N होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टेबलू इसके में कॉस्ट, इफ वी मूव कमोडिटी वट एवर दैट कमोडिटी इज फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1 देन दिस इज द कॉस्ट C11। और ये बेसिक वेरिएबल xij है कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द कमोडिटी शिपमेंट फ्रॉम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन। और नॉन बेसिक वेरिएबल्स और ये ci-j ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। जस्ट मैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना कि मॉडल को बैलेंस करना, देन वी हैव स्टडीड के बेसिक सोल्यूशन आपका कितना चाहिए, किस तरह निकालते हैं, वो मैं आपको बस बेसिक मोटे मोटे जो है ना इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो मैं रिवाइज करवाऊंगा। अब ये इन्वेंट्री मॉडल्स जो है ये मैंने स्लाइड पिक की हुई है ताकि आपको जस्ट रिकॉल करवा सकूं कि इस तरह के इन्वेंट्री मॉडल्स हमने इनफैक्ट डिस्कस कर लिए हुए हैं अपने टॉपिक्स में जो OR के हमने डिस्कस किए हैं और ये सिचुएशन हमने डिस्कस की हुई है। The situation can be modeled, production inventory और correspond to transportation problem में किस तरह convert करना है ये slide में ये मैं आपको बता रहा हूँ। Production inventory, production period I और ये हमने discuss किया था lecture में, source I, destination J जो है वो demand period के equal है। Production capacity जो है वो supply amount at source I. So this is the way how we convert an inventory problem to the transportation problem. और Cij cost of moving source commodity from source I to J, this is very important formula, production cost in I plus holding cost from I to J. होल्ड करना चाह रहे हैं हम अपनी प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन कॉस्ट इन I प्लस पेनल्टी कॉस्ट फ्रॉम I to J, कि अगर हम किसी यूजर को कहते हैं यार नेक्स्ट मंथ तो मैं इतना नहीं सप्लाई कर सकता जो आपकी डिमांड है, लेकिन उससे नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं सप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये यूजुअली बिजनेस में इस तरह होता है। सो इन्वेंट्री मॉडल्स आर देयर। फिर कितने वेरिएबल्स होते हैं आपके वो मैंने आपको बता दिए हैं। M×N वेरिएबल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। हाउ मेनी कंस्ट्रेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हैव वो हमें पता है कि M+N-1 एंड इट डिपेंड्स अपॉन दिस वन कि कितने कंस्ट्रेंट हैं, बैलेंस्ड होना चाहिए। सम ऑफ द सप्लाई इक्वल सम ऑफ द डिमांड, वन कंस्ट्रेंट इज रिडंडेंट विच कोरस्पॉन्ड टू दिस वन। सो M+N-1 कंस्ट्रेंट होते हैं। 3 डिफरेंट मेथड हमने पढ़े थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नॉर्मली जो है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड दिस प्रोवाइड्स अ बेटर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, और इस तरह हम टेबलू जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे। Three methods differ in quality of the starting basic variable. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो था ये आपको इतना अच्छा स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन नहीं देता था, whereas वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो के मॉडिफिकेशन थी लीस्ट कॉस्ट मेथड की, उसको ही हमने मॉडिफाई किया था, व्हाट वी कॉल द वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपका जो है टेबलू था और इससे स्टार्टिंग वेरिएबल से आपको एंटरिंग वेरिएबल और जो है लिविंग वेरिएबल भी डिसाइड करना होता है। उसके लिए आप मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़ा था, मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इनफैक्ट हर बेसिक वेरिएबल के लिए यू आई प्लस वी जे इक्वल्स सी आई जे, इसको हम सॉल्व करते थे एंड सेट कर लेते थे किसी एक u1 को, u2 को या u3 को 0। ठीक है, फॉर ईच बेसिक वेरिएबल यू कैलकुलेट दिस वन, तो यू आईज और वी आईज आपके पास कैलकुलेट हो जाते थे, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने किया हुआ। अब बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ये बेसिक है जिनको हमने असाइन किया वैल्यू, तो u1 प्लस v2, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या है, u1 प्लस v2 इक्वल्स शुड बी इक्वल्स कॉस्ट 2 है। अब u1 इक्वल 0 अगर मैं पुट करूं तो v2 इक्वल्स 2 आ रहा है मेरे पास। इसी तरह सबके इस बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड u1 प्लस v4 इक्वल्स 11 और v4 इक्वल्स 11 आ रहा है, सो एंड सो फोर्थ। आई कैन यूज द ऑल। अब जो है एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, मैं हर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, जो कि जेड रो में कोफिशिएंट है। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है मैंने, तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो होता है वो मेरा एंटरिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, अब यहां पे देखें कोई जो है ये एंट्रीज जो है ये तमाम नेगेटिव है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है। मोस्ट पॉजिटिव मिनिमाइजेशन में यही आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि मोस्ट पॉजिटिव जो है ये हम लेते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा बाकी जो पार्ट 2 में हमने चीज़ें की हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ऑल दीज थिंग्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम से स्टार्ट करके टिल द एंड ऑफ डायनामिक प्रोग्राम, डीपी प्रॉब्लम्स जो हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो हमने सीखी है और इन्वेंट्री, इन सब के बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।